बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोड़ा जनपद की है, जहां लाखों रुपए की दवाएं जला दी गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि ये दवाएं आई थी मरीजों के लिए, लेकिन इन दवाओं का सदुपयोग करने के बजाय सीएचसी के जिम्मेदारों ने इन्हें जला दिया। इतना ही नहीं, सीएचसी के डॉक्टर व फार्मासिस्ट दवाओं को जमींदोज भी कर देते, लेकिन इससे पहले कि नज़र सीएचसी के पिछले हिस्से पर पड़ गई, जहाँ बड़ी मात्रा में दवाओं को जलाने के बाद उन्हें गड्ढा खोद कर दफनाने की तैयारी तक कर डाली गई थी। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद सीएचसी के अधीक्षक व सीएमओ ने पूरे प्रकरण में जिम्मेदारों से जवाब मांगा है। साथ ही दो डॉक्टरों की एक कमेटी भी मामले की जांच के लिए गठित की गई है। आपको बता दें कि लाखों रुपए की दवा और इंजेक्शन चलाए जाने का यह पूरा मामला सीएचसी हलदर महू का है, जहां सीएचसी के ठीक पीछे तीन अलग अलग जगहों पर काफी मात्रा में दवाई बिखरी पड़ी थी, जिसमें दो जगहों पर दवाओं को जलाकर नष्ट कर दिया गया था, जबकि एक जगह पर कुछ इंजेक्शन और दवाई एक गड्ढे में पॉलिथिन के भीतर रखकर फेंक दी गई थी। जब जिम्मेदारों से इन्हें जलाने का कारण पूछने का भी प्रयास किया गया तो कोई भी बोलने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में यह सवाल भी उठना लाजमी है कि जब सीएचसी का परिसर स्वास्थ्य विभाग का है, तो फिर उसमें इतनी बड़ी तादाद में यह दवाई आई कैसे और उन्हें जलाया क्यों गया? प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, मैंने इसमें दो सदस्यीय जांच समिति बैठा दी है। दो दो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मलिक आलमगीर और डॉक्टर देवराज जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, ये दोनों मामले की गहराई से छानबीन कर मुझे रिपोर्ट देंगे और अतिशीघ्र इसमें दोषियों विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई में कर दूंगा। यही तो जांच का विषय है, यही तो जांच का विषय है। जांच कराने के बाद ही तो तथ्य सामने आएंगे, अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। दोष सिद्ध हो जाता है तो छोड़ा नहीं जाए, बख्शा नहीं जाए।